गेहूं का भुगतान बैंक नहीं दे रही, एक साथ जनसुनवाई में पहुंची शिवकुमारी। शिवकुमारी पत्नी सिरनाम लोधी निवासी ग्राम बमहारी तहसील करेरा ने बताया कि उसने टीला सोसाइटी में गेहूं डाले गए थे, जिसका भुगतान 1,37,000 रूपए का होना था, लेकिन उक्त रुपयों का भुगतान सहकारी बैंक मर्यादित शिवपुरी शाखा करेरा द्वारा एक बार भी नहीं दिया जा रहा है। 2,000 रूपए करके दिया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवकुमारी ने बताया कि वह महिला है और रुपए निकालने के लिए किसी को साथ लाना पड़ता है और एक चक्कर में 200 रुपए का पेट्रोल खर्च होता है। जिस व्यक्ति को साथ लेकर आते हैं उसे भी 300 रुपए मजदूरी देने पड़ता है। अभी तक मात्र 37,000 रुपए बैंक द्वारा दिए गए, इसलिए भुगतान को एक बार में दिलवाएं। हेलो, क्या नाम है आपका? दीपक लोधी नाम है, मम्मी हमारी साथ में है, शिव कुमारी लोधी, ग्राम बमारी के रहने वाले हैं, करेरा हमारी तहसील लगती है। हमारे जो टीला सोसाइटी पर गेहूं डले थे उसका भुगतान 1,37,000 रुपए था, जो अभी तक हमारे पास नहीं आया है, और हम लेने जाते हैं तो 2,000 रुपए करके एक हफ्ते में एक बार देते हैं हमारे लिए, और इससे हमें फसल की बीज खाद लेने में परेशानी होती है, और अभी तक जो हमें पैसे की ज़रूरत थी वो भी नहीं हो पा रही है। एक दिन पेट्रोल भरती है, तीसरे दिन बमारी बमारी से जाते हो करेरा, कितना खर्चा? 200 रुपए, 200 रुपए खर्चा आता है, पेट्रोल खर्चा है सर 200 रुपए। हाँ, और जो मम्मी साथ में किसी को ला, हाँ, हर हफ्ते 2,000 रुपए देते हैं, और कभी कभी हफ्ते में देते भी नहीं है। 800 रुपए, 800 नहीं मिलता है सर, एक दिन भरती है सर, उसी उन्हीं का फार्म जो भरा हुआ है पेट्रोल, और अभी तक मतलब पेमेंट नहीं हुआ, अब बुधवार को जाके होगा। तो क्या कहते हैं बैंक वाले जब जाते हो? बोलते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, जिला सहकारी बोले कहा देना जो ने कहा देना।